गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं आपको 10th क्लास की सब्जेक्ट इंग्लिश की पोयम नंबर 4, जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन दिया होगा आपको, उसके 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आपको समझना जरूरी है। 4 ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, वो आपको चूज करते हुए, उसमें सेलेक्ट करते हुए आपको आंसर देना है। तो बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एशियन लॉइन लुक। एशियन लॉइन कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन है इसका लार्ज एंड येलो इन कलर, बहुत बड़ा और रंग में पीला। वेरी फियरफुल, बहुत ही डरावना। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, पीली चमड़ी के ऊपर काले रंग की पट्टियां जैसा। या फिर रोयरिंग एट ह्यूमन बींग्स, या मनुष्य के ऊपर दहाड़ता हुआ दिखा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है, वो है लार्ज एंड येलो इन कलर। वह लंबा होता है और रंग के अंदर पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक। बंगाल टाइगर कैसे दिखा देता है। तो इसका ऑप्शन है नोबल एंड इम्प्रेसिव, बी ऑप्शन है वीक एंड फियरफुल। नोबल का उत्तम और प्रभावशाली। बी ऑप्शन है वीक एंड फियरफुल, कमजोर और डरावना। सी ऑप्शन है टेरिबल एंड एग्री, भयानक और गुस्से वाला। डी ऑप्शन है सिंपल एंड ऑनेस्ट, साधारण और ईमानदार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नोबल एंड इम्प्रेसिव, उत्तम और प्रभावशाली दिखा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। हाउ डज ए लियोपार्ड बिहेव व्हेन ही सी समवन। तेंदुआ कैसा दिखाई देता है जब किसी को देखता है, तो कैसा बर्ताव करता है। तेंदुआ जब किसी को देखता है तो कैसा बर्ताव करता है। ए ऑप्शन है ही लीप्स और हिम, वह उसके ऊपर कूदता है। ही अटैक्स एंड किल हिम, वह उस पर आक्रमण करता है और उसे मार देता है। सी ऑप्शन है ही एम्ब्रेसेस हिम टाइटली, वह उसे बहुत सख्ती से आलिंगन में लेता है। या इसका ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो इसका ऑप्शन है ए एंड बी, ही लियोपार्ड और हिम, और ही अटैक्स एंड किल्स हिम, दोनों एक्टिविटी वो करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हुआ बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाउ डज ए लियोपार्ड लुक, तेंदुआ कैसे दिखा देता है। आंसर इसका ए है टेरिफाइंग एंड पावरफुल, बहुत डरावना और शक्तिशाली। बी ऑप्शन है विद स्पॉट्स ऑन हिज हाइड, अपने शरीर पर धब्बे होते हैं छुपाने के लिए। एक ग्रेट रनर, बहुत ही तेज धावक होता है। ऑल ऑफ दी या ये सब कुछ, तो तेंदुए के अंदर ये सारे गुण होते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 पर है। हाउ डू हेनाज अपीयर बिफोर एनीवन, किसी के सामने लकड़ बका कैसे दिखा देता है। तो ए ऑप्शन है विद लाउड रोयरिंग, तेजी से दहाड़ता हुआ। विद रनिंग स्पीडली, तेजी से दौड़ता हुआ। विद मेरी स्माइल्स, खुशी से मुस्कुराता हुआ। विद एंग्री लुक, गुस्से वाला दृष्टिकोण रखता हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी, विद मेरी स्माइल्स, मुस्कुराता हुआ दिखा देता है लकड़बग्घा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज ए क्रोकोडाइल बिहेव, के मगरमच्छ कैसा बर्ताव करता है। व्हेन ही कम्स अक्रॉस हिज विक्टिम, जब अपने शिकार के पास आता है तो उसके पास उसको साथ कैसा बर्ताव करता है क्रोकोडाइल। तो ऑप्शन ए है इट स्टार्ट्स वीपिंग, रोना शुरू करता है। इट स्टार्ट्स लाफिंग, हंसना शुरू करता है। इट स्टार्ट्स ईटिंग, खाना शुरू करता है। इट स्टार्ट रोइनिंग, तो तीनों इसका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट स्टार्ट्स वीपिंग, ये रोना शुरू करता है, आंसू दिखाता है, मगरमच्छ के आंसू जिसे बोलते हैं हम। व्हाट डज ए कैमेलियन नॉट हैव, एक गिरगिट के क्या नहीं होते। इट हैज नो ईयर्स, इसके कान नहीं होते। बी ऑप्शन, इट हैज नो विंग्स, इसके पंख नहीं होते। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। या इट डज नॉट लुक लाइक ए लिजार्ड, ये छिपकली से नहीं दिखा देता, जबकि छिपकली जैसा दिखा देता है। तो इसका ऑप्शन हुआ ए एंड बी, इट हैज नो ईयर्स, इसके कान नहीं होते और इसके पंख नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8 इज द लास्ट क्वेश्चन। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, इस कविता का पोइट कवि कौन है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसका नाम है कि वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन लॉर्ड बैरन, और डी ऑप्शन है लेजली नॉरिस। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन के अंदर है, कैरोलिन वेल्स इज द करेक्ट आंसर।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और इसका सही क्वेश्चन चूज कर, सही क्वेश्चन का मीनिंग समझते हुए सही ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। ये कम से कम 5 मार्क्स का आपके एग्जाम्स के अंदर आता है। सेकंड सेटर्न कर पाए तो 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और प्लीज इसके कमेंट दीजिए अगर आपको समझ में आया है, कैसा लगा है जरूर प्रतिक्रिया दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।